तेरा इंतजार है सुन बाबड़ी, जल्दी चाचा। डिवोर्स मंजूर है तो शादी भी मंजूर है। ये देख अपन दोनों की रिसेप्शन का कार्ड। अरे अपन गारंटी देता है कि अखा डोंबिवली की हिस्ट्री में ना ऐसा कार्ड किसी ने नहीं बनाया। तुम जानते नहीं रखो तुमने मेरे आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचाई है। टूट गई हूँ मैं अंदर से। बेना, बेना वो नीचे वहाँ पे। मुझे कुछ नहीं सुनना है पराग, उसे जो करना है वो करे मेरी बला से। बेना नीचे हो क्या रहा है, सुनो तो सही। वहाँ जो कुछ भी हो रहा हो सेजल, तुम लोग क्यों गए थे देखने, मना किया था ना मैंने। बेना हमारी बात पूरी तो होने दो, और खैर हमारी छोड़ो, अब तो आपको भी जाना पड़ेगा। दिमाग ठिकाने पर है तेरा, मैं वहाँ जाऊँगी उस रिसेप्शन में, कभी नहीं। बेना रिसेप्शन के लिए नहीं, वो नीचे तुम्हारे आईपीएस ट्रेनर आए हैं, उन्हें मिलने तो जाना पड़ेगा ना नीचे। माया। हाँ? तेरा फोन किधर है रे? ठीक है एकड़े माई। अगर यड़ी तो फिर फोटो निकालना। क्यों? अरे ऐसा रिसेप्शन किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है रे बाबा, जहाँ सब कुछ है लेकिन दूल्हा दुल्हन गायब। सारी टौड़ी हलकट गुजरातन आ गई। वो दो दिन से कितना नाटक कर रही थी और अभी आ गई कुर्सी पे बैठने को, ना छोड़ेगी नहीं इसको। माय अभी ये आ गई, अभी रघु भी आ जाएगा और फिर होगा रिसेप्शन। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। आप यहाँ? कांग्रेचुलेशंस, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने फोटो में देखा आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सर आपने कहा था आप आ नहीं पाएंगे फिर। एक्चुअली आने का प्लान नहीं था, लेकिन आपके हस्बैंड कितना संस्कारी लड़का है, सुबह सुबह मुझे इनवाइट करने के लिए आए और दिन भर में मुझे 3 बार रिमाइंडर कॉल दिया और बार बार एक ही बात कहते रहे कि सर आपको आना होगा क्योंकि मेरी वाइफ आपको बहुत मानती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो चलते। असलम भाई ने क्या गेम खेला यार? अरे मान गए भाई को, भाई को मालूम था एक ही बंदा है जो भाभी को ऊपर से नीचे ला सकता है, उसी को बाल्टी में होता है। अपन के खोपड़ी में ऐसा आइडिया नहीं आता रे कभी। अरे तभी तो अपन अपन है और भाई भाई। पर भाई आया क्यों नहीं, है कहाँ भाई? सर मुझे ना इसी मामले से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी है प्लीज। देखो बातें तो होती रहेंगी, पहले ये बताओ कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? सर आप मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए प्लीज। ये लो आपके हस्बैंड आ गए। मान गया भाई तेरे को, जो बोला करके दिखाया, आखिर भाभी को खींच के लाया। अरे ये तो अभी शुरुआत है शुरुआत, अभी तेरी भाभी अपने को माला भी पहनाएगी। हाँ। और एक प्लेट में आइसक्रीम भी खाएगी देख ले। क्या बात कर रहे हैं? ये सोन पापड़ी चला दे। आयला अरे तू अखा लाइफ तेरा तब उनके हाथ में दे चुकी है और अभी काय को नखरा कर रही है, चलना। अरे सर आप ही समझाना कुछ, अपन थोड़ा लेट हो गया ना ये नाराज होगी। इट्स ओके मिसेस धनक, थोड़ा सा लेट हो गया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चलिए दे दीजिए अपना हाथ उनके हाथों में। अरे माई क्या सही टाइम पे एंट्री मारा तूने, अब उनको पता था तू आएगी,
अरे तेरे बेटे का रिसेप्शन जो आया शादी का, ये देख सोन पापड़ी भी आ गई है। अगर तू नहीं आती ना तो अब उनकी खुशी अधूरी रह जाती। आ जा, बैठ। नहीं बैठेगा तू कुर्सी पर। काइको? आज तेरे को फैसला लेना है, तेरे को अपनी माई के साथ रहना है या इस लड़की के साथ। ये तो क्या बोल रही है? सुना नहीं तू? मैं क्या बोल रही है? देख एक बात अच्छे से समझ ले रघु, एक म्यान में एक इंच तलवार रहती है। तेरी लाइफ में हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तेरे को फैसला लेना है आज, तेरे को माई चाहिए या फिर धनक। अरे ये तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, दोनों में से एक को कैसे? देख तू अपने साथ डबल गेम खेल रही है, तू जानती है अपन तेरे से प्यार करता है, गलत फायदा उठा रही है उसका। तेरे को जो समझना है समझ ले, लेकिन मेरा फैसला फाइनल है। आज तू इसको अलविदा कर या फिर मेरे को। जहर की बोतल? बोल माई या धनक? माई तू? माई या धनक? तू भगवान है अपुन की, अरे अपुन तेरे को ऐसे कैसे मरने देगा? कुछ नहीं होने देगा तेरे को, कुछ भी नहीं। अगर आज कोई इधर अलविदा करेगा तो वो अपुन अपनी लाइफ को करेगा। माई या धनक, ममता या प्यार? नहीं माई, ये ऑप्शंस ही गलत है। दोनों जान है अपुन की, अरे दोनों में से किसी एक को कैसे छोड़ सकता है अपुन? अपुन तेरे बगैर मर जाएगा माई, लेकिन उसके बगैर भी जिंदा नहीं रह पाएगा। सॉरी माई, अपुन ने बहुत कोशिश किया पर कभी तेरा अच्छा वाला बेटा नहीं बन पाया। नहीं नहीं रे बाला, नहीं
और तेरे को भी दिल से सॉरी, लेकिन अगले जन्म में अपन आएगा तेरे को फिर से तंग करने के लिए। रघु, प्रॉमिस। लेते रहो। अपन के भाई को बचा ले, अपन के भाई को बचा ले। अपन सारा भूल चुक, माफ कर। पर आगे धरा जल्दी। रघु। माय माय माय। रघु, रघु, ये ना चला कहाँ? अपने भाई को बचाने के लिए इसके लिए इसको इतना बड़ा किया था। माय तो रो मत माय। मेरा रघु। माय, माय सब ठीक हो जाएगा माय। माय रो मत माय। जल्दी से ना पानी की टंकी से पाइप कनेक्ट करके इधर लेकर आओ, जल्दी जाओ। एम्बुलेंस। अभी से मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करती हूं। मैं इस वक्त अपनी आंखों के सामने तुम्हें बर्दाश्त तक नहीं कर सकती। बस 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 बस, हो गया हो गया। माइक ठीक हो गया। सांस लेते रहो, सब ठीक है। रघु, भाड़ा कैसा है तू? ये क्यों किया तूने? आए रे रघु, करत हटिए हटिए। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी।
सिर्फ एक महीना और कितना कुछ बदल गया। कितनी हंसती खेलती जिंदगी थी हमारी। ऐसा नहीं है पापा की प्रॉब्लम्स नहीं थी, थी मगर अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। दिमाग कुछ कहता है करने के लिए और दिल कुछ और करने पे मजबूर कर देता है। अरे क्या रघु भाई, क्या कर लिया आपने? रघु भाई परेशान मत होइए, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हाँ चलिए लेट जाइए। ए डॉक्टर, ये भीजे में शॉट मत दे, नहीं तो तेरे को इधर ही स्लेट आएगा। इधर आ। अरे तो अपन की चिंता मत कर डॉक्टर, अपन तो अपना इलाज ही ढूंढ रहे हैं। चेहरे पर वो परेशानी, तेरा मुझे बचाना। रघु चाहे कितना भी टपोरी हो पर अपने प्यार की मन की बात समझ रहा है। सुन बापड़ी, कहीं तुझे भी तो अपन के साथ। अरे अच्छे से नहीं लगा सकता था? अरे रघु भाई, इतने बड़े बड़े घाव में उफ तक नहीं किया और एक छोटे से इंजेक्शन में ऊ आ आउच। क्या रघु भाई, आप भी बिल्कुल। अरे माई क्या कर रही है, जाने देना उसको। मेरे बेटे की आप भी बहुत बड़ी है मेरे लिए, उस पर तू हंस रहा है? चल फुट, चल फुट। माई काय को बिजली की माफी गरज रही है? अरे अपना काम करा था ना। माई को अकेला छोड़ के जा रहा था तू? अकेला छोड़ के जा रहा था तू? अरे अपुन की जान है तू, जान। दोबारा अगर ऐसा स्टंट किया ना अपुन के साथ तो ठीक नहीं होगा, समझा तू? अरे माई स्टंट तो तू भी कर रही थी ना कि तू जहर खाएगी, तो अपन ने भी थोड़ा स्टंट करी किया। जहर पीकर? अरे तो तू बात ऐसी कर रही थी, मतलब तू या धनक एक दिल के दो टुकड़े हो सकते हैं क्या? मेरा बेटा मेरे जैसा ही छेड़ा है, इसे धनक नाम की धूल चढ़ी है जो सीधे तरीके से नहीं उतरेगी। अब उनको उंगली नहीं पूरा हाथ ही चपेट टेढ़ा करना पड़ेगा।